हमारे स्वानन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और देखिए स्वानन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर। मैं शक्ति विश्व का निर्माण मेरे अंश से हुआ। मैं हूँ अम्बा, मैं हूँ पार्वती, उससे ही जन्मे हैं बदन और लवि। मेरे अंश से निर्माण हुआ मानव इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, मैंने उसे निर्मित कर भेज दिया। पर मैंने तो एक ही मानव अंश भेजा था जो नर भी था और नारी भी, कोई अंतर नहीं था दोनों में। माता है नारी, जननी है नारी, अपने शिशु को तन्मन से संवारती है नारी। वीर माता है नारी, जीजा माता है नारी, पद्मिनी है नारी, भारत माता है नारी। तीन रंगों में लहराती है भारत की ये दुलारी, अपने बेटे को रण यज्ञ में अर्पण करती है ये नारी। प्रेरणा है नारी, स्फूर्ति है नारी। शत्रु आक्रमण करते हैं, तब यही नारी धरती माता के युद्ध में अपनी जानों का बलिदान दे रही है। चराचर जब भारत माता आंसू बहाती है, वो व्याकुल हृदय, वो सिसकियां ने बेटों को खुद में समा लिया है। मैंने निर्माण किया जो नर था और नारी थी, पर ये क्या हुआ? ये कैसी असमानता? मेरे ही अंश को नर ने जन्म से पहले ही नष्ट कर दिया, संहार किया, पैरों तले कुचल दिया।
की आवाज इसका मन हर्षित करती है। पत्नी के मीठे बोल इसे भाव विभोर करते हैं, पर वही पत्नी से हुई बेटी इसे नहीं चाहिए। क्यों? ये कैसे विचार, ये कैसी अज्ञानता। गर्भ से निर्माण बेटी का संहार मेरा संहार है, मेरे अंश का संहार है। नर व नारी मेरे ही अंश हैं, समान हैं, एक दूसरे के लिए हैं। जैसे मैं हूं शिव की और शिव है मेरे, बस यही शक्ति का संदेश है। मेरे अंश को संभालना, न मारना इसे, प्यार से संभालना और जतन करना इसे, तभी मेरे मन की माता शांत होगी। ये मेरी बेटी है, मेरा अंश है, इसे संभालना और शक्ति का विज्ञान। सांगने तो नहीं आला, पुरुषोत्तम से सीख रही है, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कहा ना पतियों में पुरुषोत्तम और ऐसे ही स्पर्श। प्राउड ऑफ यू बेटी। मैं माननीय हमारे स्वानन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और देखिए स्वानन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर।